चंबल अभयारण्य विश्व में अनूठा है। ये एक नदी अभयारण्य है जो 428 किलोमीटर के दायरे में फैला है और तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को छूता है। क्योंकि इसके ज्यादातर हिस्से में नदी बहती है, इसलिए वरदान के तौर पर यहाँ कछुओं, गंगा नदी की डॉल्फिन, मगर और घड़ियालों की कई प्रजातियां आपको मिलेंगी। यहाँ आपको कई तरह के दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां भी नजर आएंगी। वो देखिए वहां, ये है गंगा नदी की ब्लाइंड डॉल्फिन और ये नजारा मुश्किल से देखने को मिलता है। दरअसल चंबल नदी घड़ियालों के लिए आखिरी बचे कुछ प्राकृतिक आवासों में से एक है। हाँ, ये घड़ियालों के लिए सुरक्षित है क्योंकि भारत की अन्य नदियों पर बहुत दबाव है। भारत में बचे घड़ियालों में सबसे ज्यादा आपको यहाँ चंबल में मिलेंगे। 1500 से कहीं ज्यादा की संख्या में मिलने वाले इन घड़ियालों में 300 से 400 वयस्क हैं। फिलहाल तो हालात ठीक नजर आते हैं, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं बता सकता। चंबल नदी को एक पवित्र नदी का दर्जा नहीं मिला है और आश्चर्यजनक तौर पर ये इस नदी के लिए वरदान साबित हुआ है। आप सोचेंगे कैसे? वो ऐसे कि धार्मिक क्रियाकलापों में इस नदी की जरूरत नहीं पड़ती, जिनके चलते भारत की अन्य नदियां जैसे गंगा और यमुना दूषित हो चुकी हैं। शायद यही वजह भी है जिसके चलते चंबल संभवतः भारत की सबसे बड़ी साफ सुथरी नदी है।